हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्राइडल उपटन, जो कि होने वाला है आपके लिए बहुत खास। अगर आप ब्राइड बनने वाली हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप ये उपटन यूज़ कीजिएगा। तो गाइस, उपटन कैसे बनाना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ आपको लेना है बेसन, बेसन आपको 2 चम्मच ले लेना है, और साथ में लेना है आपका मसूर की दाल का पाउडर, जो कि आपका कलर इन्हेंस करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मसूर का दाल हमारे फेस के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ मैंने लिया है मुलेठी पाउडर, ये हमारे कलर के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको मुलेठी पाउडर किसी भी पंसारी की दुकान पर बहुत ईजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। और मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है दही, दही के साथ साथ मैंने इसमें रोज़ वाटर डाला है, क्योंकि रोज़ वाटर हमारे टोनर का काम करेगा। और अब मैंने इन चारों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, और साथ में मैंने लेना है लेमन। लेमन अगर आपको सूट करता है तो आप डालिएगा, अगर नहीं सूट करता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लेमन क्या हमारा ब्लीच का काम करता है। तो इन चारों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है, जैसे कि आप फेस पे अप्लाई कर सको। और गाइस, मुलेठी पाउडर जो है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि उपटन में एक वो बहुत खास इंग्रेडिएंट्स है जो कि मैंने डाला है। तो उसको क्या करना है आपको, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे कलर फेयर होगा, हमारा के फेस पे जो भी छोटे मोटे दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे, और हमारे फेस पे एक शाइनिंग आएगी, हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, और आपको अपने पूरे फेस पे ये पैक अप्लाई कर लेना है, और लगाने के बाद आपको छोड़ देना है जब तक ये सूख ना जाए। और सूखने के बाद जब ये सूख जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है स्क्रब, धीरे धीरे, जैसे 5 मिनट स्क्रब करते ना, उस तरह से आपको अपने पूरे फेस की मसाज करनी है। आप कोई भी पैक लगाओ, पैक को आपको सूखने नहीं देना है, बस हल्का सा ड्राई हो उसके बाद आपको उसकी मसाज कर देनी है, क्योंकि पैक सूखने के बाद क्या हमारी स्किन टाइट खींचने लगती है, तो उससे हमारी स्किन पे जो है रैसे से पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप कभी भी पैक को बिल्कुल सुखाना नहीं है, सिर्फ हल्का ड्राई होने के बाद आपको इसको स्क्रब कर देना, और फिर बाद में फेस वॉश कर लेना। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा ब्राइडल उपटन। मैंने इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि हमारा कलर बहुत जल्दी इससे फेयर होता है। अगर आप डस्टी कलर के हो तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, ब्राइडल ही नहीं कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पर ब्राइडल के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि ब्राइडल इसको यूज़ करेंगी तो आपको 15-20 दिन में ही आपका कलर आपको फेयर नज़र आने लगेगा, और आपके फेस पे एक शाइनिंग भी आएगी। और इसके बाद क्या करना, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना। मॉइस्चराइज़र आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने अच्छे से फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा, और गाइस आप बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।